गणतंत्र दिवस की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। हालांकि कोरोना काल में शासन से अभी तक पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज खोले जाने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को आरपीएफ द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए रिहर्सल किया गया, जिसमें आरपीएफ आगरा के सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस की इन तैयारियों में आरपीएफ पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह भी देखा जा रहा था। परेड, सलामी, ध्वजारोहण, हर्ष फायर के साथ साथ वेशभूषा का भी ध्यान रखा गया है। जहां एक तरफ आरपीएफ पुलिस आगरा शाखा गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रही है, तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन कर्मचारियों का भी सम्मान किया जाएगा जिन कर्मचारियों ने पूरे एक वर्ष जनसेवा और अच्छे कार्य किए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अपने सहयोगी सोनू कश्यप के साथ केएम सिंह की रिपोर्ट। आगरा मंडल द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ 3 प्लाटून बनाई गई है, 2 पुरुष बल सदस्यों की और 1 महिला बल सदस्यों की। कितने उत्साह के साथ आप लोग लगे हुए हैं गणतंत्र दिवस के? नहीं, पूरे जोश खरोश के साथ, हर बार हर साल की तरह मनाया जा रहा है। बस इस बार ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ 3 प्लाटून के अलावा 1 डॉग स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड का डॉग शो वगैरह भी किया जाएगा। उत्साह तो बढ़ गया होगा क्योंकि वैक्सीन आ गई है, वो तो अब तो लगने लगा। नहीं, जोश पूरा जवानों में, सभी जवानों में है। और संभवतः वैक्सीन भी जल्दी ही शायद शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी, जो फ्रंटलाइन स्टाफ हमारा। अब खतरा उतना नहीं रहा है? देखो, 15 अगस्त में माहौल दूसरे प्रकार का था और अब माहौल दूसरे प्रकार का है। अब माहौल बहुत अच्छा हो गया है, वैक्सीन भी आ गई है, तो अब लोगों में जोश तो रह गए। तैयारी जोश पूरे जोश खरोश के साथ तैयारी चल रही है हमारी। 26 जनवरी की तैयारी हो रही है, 25 तारीख को हमारी फाइनल रिहर्सल होगी। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह चौधरी, इंस्पेक्टर आरपीएफ। यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी चल रही है, उसी के अभ्यास के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद ये आपकी पहली परेड होगी? हाँ, ये ज्वाइनिंग के बाद मेरी पहली परेड होगी, जिसमें महिला प्लाटून को मेरे को दिया गया है, जिसमें को मैं कमान कर रही हूँ। कितनी खुशी हो रही है कि आप गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार हिस्सा इस तरीके से लेंगी? इस तरीके से पहली मेरा अभ्यास है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे इसको करने का मौका दिया गया है और मैं महिलाओं की प्लाटून कमांडर को मैं कमांड करूंगी, इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। कॉलेज में और स्कूल में आप देखते होंगे कि लोग परेड करते रहते थे, अब पहली बार आप इसका हिस्सा बनी? हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है, लेकिन कभी कमांड करने का मौका नहीं मिला। ये पहला मेरा मौका है जिसमें मेरे को कमांड करने का मौका दिया गया है। कितनी गर्व की बात है मेरे लिए, तो ये पहला मौका है तो मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि मुझे इसमें मौका दिया गया है।